हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमएल लाइफ। मैं नीतीश और आज हम लोग खड़े, देखिए दोनों कहाँ पे, दोनों बस के अंदर हैं बैठे हुए और हम लोग एक ढाबे के सामने हैं। ये देखिए ढाबा, और ये कुरुक्षेत्रा का एक ढाबा है और हम लोग जर्नी कर रहे हैं दिल्ली से कटरा, वो भी जिंग बस सर्विस के स्लीपर बस से। तो इस पूरी जर्नी को करते हैं आप लोगों के साथ, एंजॉय पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा एंजॉय कीजिएगा और बहुत सारी मस्ती होने वाली है इस जर्नी में दिल्ली से कटरा तक। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दिए और साथ साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करें। देखिए बच्चे मजे कर रहे हैं अंदर। बज रहे हैं 7:15 रेडियो डिपार्चर के लिए घर से। घर से हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड मजनू का टीला, जहाँ से बस निकलेगी हमारी। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, देखिए वेदिका लगेज लेके चल रही है। तो चलिए निकलते हैं, 7:15, 9:30 की बस है। टाइमिंग हमारा 9:30 तक, 9 बजे तक हमें पहुंच जाना चाहिए। तो 1 घंटा, आधा घंटा, 40 मिनट तो लगेगा पहुंचने में। तो टाइम से हम लोग हैं अभी, चलिए देखते हैं रास्ते में क्या होता है। चले वेदिका, एक्साइटेड है? चलिए माता के दर्शन किए जा रहे हैं। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। जिंग बस के ऑफिस लॉन्च में, और ये मजनू के टीला पे है, और मजनू के टीला कश्मीरी गेट के बिल्कुल पास में 1.5 किलोमीटर का है। और यहाँ हम लोग आ चुके हैं और बस हमारी 9:30 अभी बज रहा है, 8:10। तो 1 घंटा इंतजार करना है, तो लॉन्च का फायदा उठाते हैं, लॉन्च में बैठते हैं ना। 9:30 उससे पहले आएगा। 9:30 का टाइम है। चलिए अंदर चल के देखते हैं क्या सुविधा है जिंग बस के लॉन्च में, है ना। तो लॉन्च में आके बैठ चुकी है और 1 घंटा यहीं पे हमें टाइम बिताना है, और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं ये देखिए। और बस सर्विस में ये चीज जो ऐड हुआ है ना, लॉन्च हर जगह बना दिया गया है, अच्छे अच्छे कंपनी वाले ने लॉन्च बना दिए हैं बैठने के लिए। वेटिंग पहले खड़े होकर बाहर वेट करना पड़ता था बस स्टैंड पे, अब लॉन्च में आराम से बैठिए, एसी चलना होता है। और खाने पीने का अरेंजमेंट है, चाय कॉफी सब मिल रहा है, पेड वेस्ट पर मिल रहा है। तो खरीदिए और खाइए पीजिए, अपना समय पास कीजिए। तो वेट करते हैं आप, 1.5 घंटा है, 1.5 घंटा नहीं है अभी, हाँ मतलब तकरीबन 1 घंटा में यहाँ बैठना है। गरम चाय ले लिया है मैडम ने, और कैसा है चाय? कुल्हड़ में चाय? गरम बहुत ज्यादा है, गरम बहुत ज्यादा है। चाय ठंडी फ्रिज से मंगवा देंगे चाय को? नहीं, टेस्टी है, मैंने पी लिया, बहुत टेस्टी, बढ़िया चाय। 9:30 में हमारी बस आ चुकी है और हम लोग अब लॉन्च को छोड़ के बस की तरफ चल रहे हैं। बस बिल्कुल सामने मुझे दिख रही है, चलिए चलते हैं बस। जिंग बस, ओह वाओ क्या बात है, सिटी है हमारा। आइए आइए आइए, वेलकम है जी, वेलकम है। ये बीच वाला, ये इधर डबल, ओके इतने सुंदर डालो। और बस स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत बस है। वेदिका देखिए यहाँ पर अपना लेट गई है, और इसका खिड़की का पोजीशन बहुत अच्छा है, यहाँ पे लेट बैठ के लिए बहुत बढ़िया है, विजिबिलिटी बहुत बढ़िया ही रही खिड़की यहाँ से ही। ये हमारा सीट है और यहीं से खिड़की है, तो 2+1 का हमने ये जिंग बस की बस तो देखने में अच्छी है, क्वालिटी सीट वीट भी कुछ नहीं अच्छी है। और एक वाला सीट जो है, जो सिंगल सीटिंग इस साइड है, तो वो वेदराज को पीछे दो पीछे मिला है, दो सीट पीछे, क्योंकि तो खाली नहीं था, हम लोग लास्ट मोमेंट पे टिकट बुक किए थे, वो थोड़ा पीछे, कोई बात नहीं, अपने वो तो अपना पैक हो गया उसमें, मस्त सो जाएगा। बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी होने वाली है कटरा तक। एसी बढ़िया चल रहा है और ठंड लगी मुझे लगता है, लेकिन ब्लैंकेट वगैरह हम नहीं देते हैं, वैसे हम लोग चादर लेके आए, चादर लेके आए, तो ठंड लगी दौड़ लेंगे। और सामने टीवी भी दिया हुआ है, मुझे लगता है वो चॉकलेट दिया है, वो सामने टीवी दिया जहाँ वेदिका बैठी हुई है, और टीवी चल नहीं रहा है, तो अभी पावर रिमोट नहीं है, अब क्या करोगी, वाटर होल्डर दिया रखने के लिए, और इधर चार्जिंग पॉइंट है, इधर देखिए चार्जिंग, ये चार्जिंग पर दो मोबाइल चार्ज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे स्विच क्या है,
है, ये एरिया बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है। और भाई दीका मजे कर रही है, अपने वाटर बोतल रख रही है, वो नहीं आएगा उसमें, छोटा वाला बोतल आएगा उसमें, छोड़ दो दीका। मजा आ रहा है, खींच लो थोड़ा यहाँ तक, इधर तुम्हारा टीवी यहाँ भी नहीं चल रहा है, कोई टीवी नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा, ठंडा लगेगा तो एसी बंद कर लेना, ठंडा लगेगा तो एसी बंद कर लेना, मतलब उसको बंद कर लेना, चादर ले लेना, ठीक है। इस तरह बस की जर्नी भी बहुत मजेदार लगती है, अच्छा लगता है, सब कुछ ठीक होता है, बस वही बाहर निकलने के लिए आपको उसके ऑप्शन नहीं था, बस केबिन में बैठ गया तो बैठ गया, यहाँ पे तो लेट के आराम ही लगता है, बट निकलने रहे, ट्रेन वगैरह में क्या होता है कि आप टहल सकते हैं, यहाँ पे आप जो लेट गए तो लेट गए, अपने इस केबिन के अंदर चले गए तो बस हो गया, उसके बाद बस चल रही है, हिल डुल रही है, तभी हम निकलेंगे, तभी निकल सकते हैं, ऐसे टहलने के लिए बस के अंदर जगह तो नहीं होती, मगर अच्छा लगता है, शॉर्ट जर्नीज आप कर सकते हैं, ज्यादा लॉन्ग जर्नी करने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, हर बस में वॉशरूम नहीं होता है, इसमें भी वॉशरूम नहीं है, बढ़िया है, वैसे स्नैक्स पानी की बोतल ये सब आपको दे रहे हैं, आ गया है पानी की बोतल लेके, पानी की बोतल शायद कम्प्लीमेंट्री, पानी की बोतल आ गई है हमारी, और हमारी नहीं आई शायद, ऊपर ऊपर जा रही है, तो पानी की बोतल हमारी कॉम्प्लीमेंट्री आ गई है जिंग बस की, एक बोतल पानी की जरूरत है, बाबू अकेला होता है तो हमेशा अकेला ही अपने सिंगर गाने में बजे में रहता है, वो तो उसको एक शांति चाहिए होता है, तो यहाँ पर तीन लेट चुके हैं और बस शायद 11:30 बजे के आसपास कुरुक्षेत्र में किसी ढाबे पर रुकेगी, और बहुत ही मजा आ रहा है इस तरह, हम लोग तीनों लेट गया, बस हिल रही है, नींद बहुत अच्छी आने वाली है, जब कोई झूला झुलाता है ना तो नींद कैसे आती है, सेम सेम फीलिंग है, झूले में बैठे हुए हम, और रात के बज रहे हैं 12:05, वेदराज बस से उतर चुका है, और हम लोग, मैं और वेदिका पहले उतर चुके हैं, और बस रुकी है डिवाइन स्टार कुरुक्षेत्र में, और ये देखिए बस कितनी खूबसूरत लग रही है, ये देखिए, ओह, और वो अभी तक निकल रही है, निकल के बाहर आने की कोशिश कर रही है, और क्या डिनर करना है और मजा आ रहा है बस में, बहुत मजा आ रहा है, बस अच्छा है, कंफर्टेबल, मैं सो भी गई, इतना कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा लग रहा था, और मैं सो गई थी, सो के ढाबा भी बहुत खूबसूरत है, नहीं ये उस पर हवेली पे नहीं रोका है, ये कहीं और रोका है, लेकिन बट ठीक है, चलिए देखते हैं अंदर, आ गया ना, भैंस वैस मार रहा है, देखो वॉशरूम अंदर होगा, और ये देखिए बस का फ्रंट लुक, ओ क्या है वेदिका, ये क्या है, गाय भैंस, भैया चलो डांस करो उसके साथ, डांस करो उसके साथ, डांस करो उसके साथ, डांस करो, ये आ चुका है खाली, देखिए इसमें ये तंदूरी रोटी, ओहो बटर रोटी, और ये लाछा पराठा, और ये सलाद है, राइस है, पनीर की सब्जी, दाल मखनी, रसगुल्ला, ओह माय गॉड, वेदिका तुम खा जाओगी पूरा, ओहो खा जाओ फिर, फटाफट खा जाओ, तो वो देख रहा है खा ना जाए, अगर वो कहती ना कि मैं पूरा खा जाऊंगी तो खा ही जाएगी, खा जाएगी क्या सच में, एक और मंगा ले, यहाँ वेदिका क्या हो रहा है, ये है खाली खाने के बाद ना हिम्मत हाथ लगा हुआ है इसको, मस्त लोग सो जाते हैं बस को जाने के ये दोनों तो सो गए, हम लोग जाते हैं, हमारी बस वहाँ लगी हुई है, मैं तो जा रही हूँ, भागे दोनों, भागे भागे, हम लोगों ने डिनर कर लिया, हल बहुत ही लाइट डिनर किया ताकि रात में कोई परेशानी ना हो, है ना, हाँ इसने बिल्कुल नहीं किया क्योंकि इसको ज्यादा परेशानी हो जाएगी, वेदिका तुमने पेट भर कर खा लिया, इसने पेट भर खा लिया, तुमने पेट भर खाया, हाफ पेट खाया, वेरी गुड, ज्यादा खाओगे तो बस से दिक्कत हो सकती है, खड़ी हो तो
ये अपने कमरे में जा रही है और अकेले अकेले वेदिका और पहला ही कमरा हमारा है। हेलो बस अब ढाबा से निकल रही है और हम लोग अब सोने की तैयारी कर रहे हैं तो अब सोते हैं। मिलते टाइम भी बहुत हो गया है ना, इतना टाइम हो रहा है, भी बज गया है, 1 बजने वाला है, बजने वाला है, तो अब सोते हैं, मिलते हैं कल सुबह 1 बजने वाला है। जम्मू आने वाला है, पकड़ने वाला है, तो अभी वैक्सीन चेक हो रहा है, जो वैक्सीनेटेड है वो चेक हो रहा है, लाइन लगा हुआ है। हम भी अपने फोन में वैक्सीन रिपोर्ट जो है वो लेके आए हैं। पर्ची कट लीजिए आप। हो गया, बस कहाँ हमारी भाग गई वो नहीं है। अच्छा, इधर 7 बज रहे हैं और वैक्सीन टेस्ट, मतलब वैक्सीन जो टेस्ट था इसका रिपोर्ट देखने के बाद यहाँ पे 16 शौचालय है, तो बस यहीं पे लगी हुई है और सब लोग जिनको फ्रेश होना है फ्रेश हो रहा है और फ्रेश होने के बाद फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे। जम्मू में बस रुकेगी फिर कटरा, तो 7 बजे हमें 11:30 तो बजेंगे पहुँचते पहुँचते। हो गया, अपने केबिन में वेदराज भी अपने केबिन से उठ के यहाँ पे आ गया है, सब नींद अच्छी आई। ये लड़की अभी तक सो रही है क्योंकि उसने टाइम 10 बजे है और सो ही रहेगी। ये सबसे अच्छा लग रहा है देखने में, लग रहा है 17वें का सिनेमा हॉल में बैठे हुए। बाहर हल्की हल्की ठंड है, हाँ तो सुबह का समय ठंड तो हो गई। साढ़े 8 हो चुके हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं जम्मू। अब 1.5 घंटा लगेगा, 1.5-2 घंटा लगना चाहिए जम्मू से कटरा पहुंचने में। कटरा पहुंचेंगे फटाफट से होटल में जाएंगे और फ्रेश होंगे। वैसे जर्नी तो बस में अच्छा ही रहता है ना, साफ सुथरा बस रहता है, सब कुछ बढ़िया है। अगर अच्छी सर्विस ले तो बस मेंटेन अच्छा रहती है, साफ सफाई अच्छी रहती है, साफ सफाई होनी चाहिए बस, साफ सफाई होती है, ड्राइवर भी अच्छा है, ड्राइविंग बहुत अच्छा कर रहे हैं। Turn right onto Jammu Road. Head southeast.
लोग हम लोग जाते हैं होटल में और फिर फ्रेश होते हैं, चलते हैं होटल में रूम दिखा के फिर वीडियो पे एंड करते हैं, है ना। होटल में आ चुके हैं, होटल वैष्णो देवी हिल्स, और रिसेप्शन में बैठ के वेट कर रहे हैं। जब बस ना ऐसी 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 ऊपर चढ़ रही थी, तो सर बहुत भारी हो गए, तो कुछ बात करने का मन नहीं कर रहा। अभी यहाँ पे बैठे रिलैक्स कर लो, अभी आधा घंटा चेकिंग में टाइम है, तो हम लोग बैठ कर वेट कर रहे हैं। अभी उल्टी उल्टी सा लग रहा है। तो ये है हमारा रूम, वो है बाबू का बेड, ये है हमारा बेड। कैसा है रूम? बढ़िया, रूम तो साफ सुथरा दिख रहा है। और इधर है वॉशरूम, वॉशरूम भी बहुत बड़ा है, वाव। यस, ये देखिए, मगर कोई भी आपका एक्स्ट्रा चीज नहीं है यहाँ पे, सर्फ साबुन ये सारी जो चीजें होती हैं, शैम्पू वैम्पू नहीं है। ओ, यहाँ से नजारा है, और वहाँ है माता जी, माता रानी हमारी वहाँ बैठी हुई है भवन में अपने। हमें वहाँ जाना है, उनके दर्शन करने हैं। उसी में चढ़ाई पहाड़ों के पीछे है, इसी पहाड़ों के पीछे हम लोग आप रूम में आ चुके हैं, और बहुत थक चुके हैं, इसे तो चक्कर आ रहा है। बस घूम घूम कर 10-15 किलोमीटर तो खटरा में चढ़ाई करना होता है, उसमें चक्कर आ रहा है। नहीं, बस में पूरा पैक था, इसलिए अभी भी लग रहा है खुला, जब पहाड़ों पे खुला गाड़ी होता है ज्यादा अच्छा रहता है। कोई बात नहीं, चलो अब रेस्ट करेंगे रूम में बैठ के, कल सुबह हमें चढ़ाई करना है, तो आज रेस्ट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होगा, क्योंकि हम लोग चढ़ाई करेंगे ऊपर, उसके बाद दर्शन। दर्शन तो वहाँ पे तो कैमरा फोन अलाउ नहीं ही होता है, बट भवन तक तो आप लोगों को लेके ही जाएंगे हम लोग, जो भी होगा दिखाएंगे आप लोग। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा हमारे डेली अपडेट, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और कमेंट को भर दीजिए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बाय बाय। चावल और ये सूप रखा हुआ है, चलिए यहाँ पे रखा हुआ है, पानी की दो बोतलें हैं, दो बोतल आगे केतली है, और टिकट नहीं देते, टिकट नहीं है। अच्छा, इसमें चाय है, चाय है, अच्छा इसमें चाय दिया हुआ है हम। ओ, ओ, ये हमारा वेलकम ड्रिंक है, टी। हाँ, वेलकम ड्रिंक है टी। चाय पी लो, चाय पी लो, चाय पी लो, अच्छा बना बनाया चाय, अच्छा होगा टी के किट से, अच्छा चाय नहीं बनता।